ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय। आप सभी के साथ एक और अति दुर्लभ वीडियो हाजिर है, और ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से अलग है। इसमें मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, ना किसी पंडित ने, ना कोई मौलवी, और ना ही कोई और। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि इन बातों को ज़रा आजमा के देखिए, और फिर अपनी ज़िंदगी को देखिए कहाँ आपको पहुँचाती है, किस मुकाम पे आप खड़े हो जाते हैं। हम सब के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, अपना व्यवहार होता है। किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है, किंतु यदि सही तरीके से देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं करते। हमारे ऊपर जिन ग्रहों की परछाई पड़ती है, हम उस परछाई का ही स्वरूप होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रह चलते हैं, हमें उसी प्रकार से चलना पड़ता है। मनुष्य के हाथ में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक सूखा पत्ता भी हिला सके। हम वही करते हैं जो हमारे ग्रह हमसे करवाते हैं। यदि आपको पता चल जाए आपका ईष्ट कौन है, और आपके ईष्ट का रंग क्या है, और उसका नंबर क्या है, तो जिंदगी में आप कभी मार नहीं खाएंगे। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में, या आपने किसी दोस्त की जिंदगी में देखा होगा, या किसी अजनबी को भी आपने कभी देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द महिलाएं या लड़कियां बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि वह इतना खूबसूरत भी नहीं होता कि लड़कियां उसकी तरफ देखें, फिर भी लड़कियों से वो हमेशा घिरा रहता है। कुछ लोगों के पास इतना धन होता है कि उनसे संभाले नहीं संभलता, किंतु उनके पास कोई जॉब, किसी प्रकार की कोई ऐसी आमदनी का सोर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पास धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। किसी इंसान का लक बहुत अच्छा होता है, वो जो भी काम करता है, मिट्टी में हाथ डालता है तो वो भी सोना बन जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनका ईष्ट प्रसन्न होता है, उनसे खुश होता है। याद रखिए, अगर आपका ईष्ट आपसे खुश है तो जिंदगी की कोई शक्ति ऐसी नहीं है, जिंदगी का ऐसा कोई मुकाम नहीं है कि आप उस तक ना पहुंच पाए। और ईष्ट का अपना रंग होता है। यदि आप अपने ईष्ट का रंग पहनकर कहीं भी किसी इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो आपका जॉब में सिलेक्शन होकर ही रहता है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, परेशान रहता है, तो भी उसका ईष्ट उस पे हावी होता है और वो अपने ईष्ट के अनुसार ही चलता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी स्त्री नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है, और वो रिलेशन बनाना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है कि कोई मेरी दोस्त बने, कि मैं किसी से बात कर सकूं, मैं अपना समय किसी को देना चाहता हूं, अपने साथ किसी को रखना चाहता हूं। अब आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपका कौन सा ग्रह नीच का है, और जिस ग्रह को आप ठीक करना चाहते हैं वही ग्रह अगर किसी के लग्न में उच्च का है, या सिर्फ लग्न में है, तो मात्र उसको देखने भर से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मैं जानता हूं आप नहीं समझे, चलिए दोबारा समझाते हैं। मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह नीच का है, जो कि रिलेशनशिप और लग्जरी का कारक होता है। सुख सुविधाएं शुक्र के बिना मिलना मुमकिन ही नहीं होता। अब आप चाहते हैं कि आप अपने शुक्र को मजबूत करें, जिससे कि आपके चारों तरफ महिला हो या आपकी दोस्त हो, मतलब अपोजिट हो और अपोजिट सेक्स हो, और
आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, आपके जीवन में आनंद हो और लग्जरी आपके जीवन में सदा बनी रहे। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो आपको शुक्र को मजबूत करना होगा सबसे पहला काम। अब शुक्र कैसे मजबूत होगा, उसके लिए आपको करना है जो कोई व्यक्ति हो जिसके लग्न में शुक्र हो, आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है, उसको खुश कर देना है। यदि आप उस व्यक्ति को खुश करते हैं तो उसके खुश होने से उसका मन खुश होगा और उसका मन खुश हुआ तो शुक्र भी खुश हो जाएगा। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इसको साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते। कोटों में कोई में भी कोई यह ज्ञान प्राप्त करेगा। आप मेरी बात ना माने, आप इसको अपने जीवन में आजमा के देखें, जो कुछ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। यदि आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो रहा, आप घर से नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास इतना धन भी नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ करा सकें, तब आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथ देखने हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है और इसको देखने के बाद अपने पूरे शरीर पर अपने हाथ को एक बार ले जाएं, या मात्र अपने चेहरे पर एक बार हल्के से ले जा सकते हैं। इसके करने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देती हैं, केवल उन लोगों के जीवन में जो विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के अगर आप सोचेंगे चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, तो फिर तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। कोई भी उपाय करने से पहले विश्वास कीजिए। वही विश्वास जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं तब आप ड्राइवर पे जो विश्वास करते हैं, वही विश्वास जो आप बस में बैठकर ड्राइवर पे करते हैं, वही विश्वास आपको करना होगा। और उसके बाद देखिए ये दुनिया आपके सुर से सुर मिलाएगी। ज्योतिष बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस है और ये धीरे धीरे समय रहते आपको पता चलता जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके इष्ट का आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने इष्ट का रंग ज़रूर पहनिए। इष्ट हर किसी का एक नहीं होता, हर किसी का अलग अलग इष्ट होता है। आपके लग्न में जो भी ग्रह है आप उस ग्रह का रंग पहनना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप एक बार करके तो देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, आप इस समय उस सुख की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। और यह कोई पहली बार नहीं, बहुत बार आजमाई हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दुर्लभ सामग्री के उपाय को एक बार अपने जीवन में आजमा के जरूर देखिए। ये अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय होते हैं और किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय हमें ज़रूर दें, क्योंकि इतनी बहुतायत में हमें मैसेज आते हैं कि सब तक रिप्लाई पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा ताकि एक और अति दुर्लभ वीडियो आप सभी के साथ साझा कर सकूँ। ईश्वर पर अटल विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। भक्त बेशक उनका साथ छोड़ दे, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
इसी विश्वास के साथ मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।